अनुपमा में आने वाला है मेजर ट्विस्ट, जो कि वनराज ही लेकर आएगा। वनराज पर चढ़ चुका है बिजनेस का और पैसे का ऐसा जुनून जो कि उसे कब गलत रास्ते पर ले जाएगा इसका उसको खुद को भी अंदाजा नहीं होगा। वेल, इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है, वो भी मालविका को कंट्रोल में लेकर। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अब वनराज की किस्मत भी उसका साथ देते नजर आ रही है, लेकिन वो हाँ बहुत ही बड़ी गलती भी करते नजर आएगा। दरअसल देखने को मिलेगा कि अनुज और अनुपमा के ऑफिस से ही मालविका और वनराज ऑफिस अपने काम को ऑपरेट करने वाले हैं, और मालविका सीधे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है वनराज के कंपनी के अकाउंट में, जिसके बाद ने अनुज को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। यहाँ तक कि अनुपमा को भी थोड़ा अजीब लगता है, और मालविका को जिस तरह से वनराज ने कंट्रोल में कर लिया है, अब मालविका को कहीं ना कहीं अनुज ऑपोजिट ही नजर आएगा, और उसे लगेगा कि अनुज को उसके फैसलों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कि पहले उसके शादी के डिसीजन पर भी अनुज ने ऐसा ही सवाल खड़ा किया था। कहीं ना कहीं अनुज को ये बात भी बिल्कुल सही नहीं लग रही है कि वो वनराज के साथ बिजनेस कर रही है, और वो भी बिना अनुज के गाइडेंस के, जिसके चलते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसी बात का अब फायदा उठाते नजर आएगा वनराज, क्योंकि उसे अंदाजा लग जाएगा कि मालविका और अनुज के बीच में अनबन चल रही है। तो भाई यहाँ पर मालविका की इसी कमजोरी का वनराज फायदा उठाएगा, और देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे वनराज टेक ओवर कर लेगा मालविका के बिजनेस को, तो दूसरी तरफ इसका असर कहीं ना कहीं अनुज को भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए अनुज और मालविका के बीच में और लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, और वनराज भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं। और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा अनुपमा को भी होने वाला है कि ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वनराज की वजह से ही हो रहा है। तो भाई यहाँ पर अनुपमा को इस बात का अंदाजा तो लग ही जाने वाला है। तो वहीं देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे अब किस तरह से वो अनुज के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की वनराज कोशिश करेगा, जिसमें कि अनुज उसे कामयाब नहीं होने देगा। यानी कि कड़ी टक्कर हमें वनराज और अनुज के बीच में देखने को मिलेगी, और एक तरह की दुश्मनी भी, जहां पर वनराज अपना असली चेहरा बाद में दिखाते नजर आएगा। फिलहाल तो वो अपने पैसे कमाने के जुनून में है, लेकिन ये जुनून कब दुश्मनी में बदल जाएगा और किस तरह से अनुपमा और अनुज की जिंदगी तक पहुंचेगा, वनराज को खुद को भी अंदाजा नहीं लगेगा। और यही वक्त होगा जब वनराज और अनुज के बीच में कड़ी टक्कर होगी। तो भाई वनराज बहुत ही बड़ी चाल चलने वाला है, जिसका अंदाजा अभी उसे खुद को भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही मामला सामने आएगा। देखते हैं कि अनुपमा इन सब चीजों को कैसे हैंडल करती है, और कैसे अनुज और अनुपमा की जिंदगी अब वापस से ट्रैक पर आती है।